अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। बिनिश नहीं तैयार हुई अभी तक। वो आप ही। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी भाभी। खाना खाओ ना। आप नहीं बैठेंगे? मैं सुबह में सिर्फ चाय पीती हूँ, मैंने उठते पी ली थी। वैसे भी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। हारिस कुछ चाहिए तो बता देना। जी आप। बहुत अच्छी है रुकना आपने। हाँ, हालांकि मुझे डर था कि जब उन्हें मैं बताऊंगा ये हमारे इस निकाह के फैसले का तो नाराज होंगे, लेकिन नाराज होना तो दूर की बात, उन्होंने तो कुछ कहा भी कुछ भी नहीं। बस थोड़ा हैरान हुई थी, पूछ रही थी कि कौन है, कहाँ मिली, तो मैंने बता दिया। मैंने कहा मेरे ऑफिस कलीग की बहन है और ऑफिस कलीग ने अपने बीवी बच्चों के साथ यूके शिफ्ट होना था, तो उन्हें थोड़ा जल्दी थी अपनी बहन भी आने की। आपने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? ना देखो, ये मेरी भी तो दूसरी शादी, तो फिर। वैसे ये आप ही की अब तक शादी कैसे नहीं हुई? अब इसको बदकिस्मती समझ लो, खुशकिस्मती समझ लो, जो लोग इन्हें पसंद आते थे उनकी डिमांड्स इस कदर ज्यादा होती थी कि मैं शायद कभी पूरा ना कर पाता, और जो लोग हमें पसंद आते थे वो शायद हमें अपने स्टेटस के नहीं समझते। तो ये बात तो आपको आप ही से करनी चाहिए ना। स्टेटस से क्या होता है, इंसान का अच्छा होना जरूरी है। तुम आ गई ना, आप खुद ही कर लेना सारी बात। डन।